ऐसा लग रहा है जैसे तूफान में फंसी नाव आज किनारे लग गई है। सब कुछ ठीक हो गया है बेटा, जो बुरा था वो मिट गया और जो बचा है उसे हम मिटा देंगे। हम जानते हैं कि जो कुछ हमारे साथ यहाँ आने के बाद हुआ इस शहर में बेगूसराय में, उसके बाद हमारा यहाँ रहना मुश्किल है। हमने एक फैसला किया है, हम यहाँ से अपना ट्रांसफर करा लेंगे और अपने गांव जाकर रहेंगे, एक नई जिंदगी जिएंगे। लोगों से चाहे जितना भी भाग ले हम, हमारे मन में जो चोट लगी है बाबा उसका क्या होगा? समय बड़े से बड़ा जख्म भर देता है, हर असर मिट जाता है। पता नहीं बाबा, ये जीत हासिल करने के बाद भी एक अधूरापन सा है। बेगूसराय में आए कुछ बहुत अच्छी यादें बनी, कुछ बहुत बुरी, एक अजीब सी डोर है, एक अजीब सा रिश्ता है यहाँ से, समझ नहीं आ रहा क्या? बेटा हम जानते हैं कि यहाँ आकर तुमने सिर्फ और सिर्फ खोया ही है, लेकिन बेटा जिंदगी ऐसी नहीं है। सृष्टि का एक नियम है, जब हम कुछ खोते हैं ना तो वो किसी ना किसी रास्ते हमें वापस मिल जाता है। अच्छा बुरा, खोना पाना, ये सब हम इस जिंदगी में समाप्त करके जाते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो तुमने खोया है वो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, किसी और रूप में, किसी और जगह, शायद इसी जगह तुम्हें सब कुछ वापस मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, इस जिंदगी को हम खूबसूरत बनाते हैं अपनी खूबसूरत सोच से। अनन्या, तुम अपनी सोच को बदसूरत मत होने देना। चलो आज तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए दाल भाटी और चोखा बनाएंगे, और चुप करके खा लेना। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे।